गुड मॉर्निंग गाइस, अभी ना 12 बजे का टाइम हो रहा है और बारिश शुरू हो गई। काफ़ी दिन से बहुत गर्मी हो रही थी, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी बरसात में गर्मी देखी मैंने जितनी भी हो रही थी। तो सुबह सुबह भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, यहाँ से इतना पसीना आ रहा था। अभी ना बारिश शुरू हो गई है तो मिस्त्री अंदर लगे, जो खुडे होते हैं ना, जो हॉल के होते हैं शटरिंग करने के लिए, उसको भरने में लगे हैं। और बाहर दो भैया लगे हुए हैं रोड़ी कूटने में। एक भैया सामने खुडे बंद कर रहे हैं और अभी यहाँ पर प्लास्टर का काम चल रहा है। ये हमने ढक दिया, बारिश लगी हुई है ना तो ये बारिश से खराब होने ढक दिया। ये यहाँ पे रोड़े कूटते हैं। बहुत तेज़ बारिश लगने वाली है और मज़ा भी आ रहा है क्योंकि बहुत गर्मी हो गई थी ना, तो बारिश ज़रूरी चाहिए थी। तो मेरा ये हीरो साइकिल मेरा ठीक हो गया है, इसको ना थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, बारिश में चलेगा। और इसके टायर में थोड़ी हवा कम भरी उन्होंने, तो मेरे को हवा भरनी है। लेकिन जो मेरे पास पंप था वो प्रिया दीदी को मैंने दे दी थी जब उन्होंने गाड़ी लेकर जाना था, तो मैंने उनको दिया था तो वो साथ में चला गया। अब इसमें हवा भरने के लिए मेरे को पंप किसी से मांग के लाना पड़ेगा। मम्मी ने तुरई की सब्ज़ी बनाई थी तो उसके साथ खाना खाया था, और अभी बनी है खिचड़ी, तो खिचड़ी के साथ खाना खाऊंगा। और खिचड़ी खाए हुए मेरे को बहुत टाइम हो गया, तो चलिए खाना खाते हैं और मिलते हैं खाना खाने के बाद। यहाँ पे पैड हुई है ना तो बड़ा अजीब सा लग रहा है देख करके, और कुछ दिन के बाद हमारे घर की पूरी लुक चेंज होने वाली है क्योंकि काम जोरों शोरों से चल रहा है और रेलिंग वगैरह सब कुछ लग जाएगा ना तो घर अच्छा लगेगा देखने में। खिचड़ी में जब तक दही ना हो तब तक मेरे को मज़ा नहीं आता, तो मैंने 2 चम्मच दही के डाले इसमें। हाँ, मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि मेरे को आज 7 दिन हो गए, मैंने चाय का एक घूंट तक नहीं पिया। चाय का मतलब पत्ती भी, 1% भी मेरे अंदर पत्ती नहीं गई, तो मेरे को अच्छा भी लग रहा है और बहुत मन करता है खाना खाने के बाद ना कि चाय पीऊँ, लेकिन बहुत कंट्रोल करता हूँ खुद के ऊपर। अब चाय बंद कर दूंगा, अभी सर्दियों का टाइम आएगा ना आगे, तो होगा कभी कभी मन किया या फिर ज़्यादा सर्दी लगी तब थोड़ी सी चाय ले लूँगा, लेकिन चाय का अल्टरनेट ग्रीन टी वो ला करके रखूँगा सर्दियों के लिए। चाय बिल्कुल बंद। सो गाइज, खाना खा के मैंने रेस्ट नहीं की, मेरे को याद आया कि आज मेरे इंजेक्शन लगना है विटामिन B12 का, दूसरा इंजेक्शन लगना है सेकंड। तो अभी मैं ना डिस्पेंसरी जाना था, बारिश हुई थोड़ी सी और रुक गई, और देखिए मौसम कितना अच्छा है, यहाँ पे धुंध पड़ी हुई है और बैक साइड में भी हरियाली हरियाली दिख रही है। अभी चलते हैं बारिश से पहले पहले इंजेक्शन लगा करके आते हैं। हमारे यहाँ पे ना मौसम हर मौसम में ना हमारे यहाँ पे मौसम अपना एक तरह से ना एकदम से ना, मतलब कहते हैं ना कि चेंजेस कर लेता अपने आप में। तो देखो अभी बरसात का मौसम ख़त्म हो चुका है एक तरह से, और बरसात के बाद भी यहाँ पे फोग पड़ रही है, धुंध पड़ रही है, मतलब सोचा नहीं था हमने कि ऐसा मौसम देखने को मिलेगा इन दिनों में, लेकिन कुदरत का करिश्मा है कि ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। और बस बहुत अच्छा लग रहा है कि बारिश हो गई, थोड़ा सुकून मिल गया, थोड़ा बंदे को ना बाहर निकल के स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है। इससे पहले प्रीति भी जा करके आई, वो भी अपनी डोज लगवा करके आई विटामिन B12 की, तो मैं भी जा रहा हूँ। और हमारे यहाँ पे घर के पास ही डिस्पेंसरी है तो वहाँ से हम लोग इंजेक्शन लगवा लेंगे, और उसके बाद आकर के रेस्ट करूँगा मैं, क्योंकि मैंने रात को भी मेरे को 12-1.5 बजे तक नींद आती है, उसके बाद सुबह मेरे को 7 बजे उठना होता है, पानी वानी लगाना होता है दीवारों को, और ऐसे भी काफ़ी सारे काम करने होते हैं। पीछे आवाज़ आ रही है ना एरोप्लेन की, मैं डर गया, मैंने कहा पता नहीं क्या आ गया। ये वाले जो जंगल है ना, वो बड़े वाला पेड़ है ना, ये वाला पेड़, ये इस जगह पे हमारी ज़मीन भी है। तो मैं यहाँ पे ना काफ़ी बार लकड़ियाँ लेने आता था ताई जी के साथ, लेकिन इस यहाँ तक आने के लिए ना रास्ता दूसरी साइड से घूम के है, तो अगर इस साइड आना है ना तो ऊपर से घूम करके आना पड़ता था। पहले हम बहुत बार आते थे मैं और ताई जी लकड़ी लेने जंगल से, सूखी लकड़ियाँ, लेकिन आजकल टाइम ही नहीं होता और गैस सिलेंडर का ज़माना चल रहा है, वैसे भी घर पे बहुत सारी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, चूल्हा जलाने का टाइम ही नहीं मिलता। जब मम्मी होते हैं तब मन होता है कि चूल्हा जला लेते हैं, चूल्हे के ऊपर खाना बना के खाते हैं, लेकिन अब मन ही नहीं करता, टाइम ही नहीं होता। और जब सर्दी आएंगी ना तब हम चूल्हा जलाया करेंगे और उसके बाद हम चूल्हे के ऊपर खाना बना लिया करेंगे। और वैसे भी मम्मी ने जनवरी महीने में अगले साल में रिटायर हो जाना है, तो मम्मी फिर रिटायरमेंट के बाद ऐसे काम कर लिया करेंगे, क्योंकि मम्मी का बहुत मन होता है और मम्मी को बहुत शौक है ये सारे ऐसे काम करने का। तो जिस डिस्पेंसरी मैंने इंजेक्शन लगाया ना, वहाँ पे डॉक्टर जो है वो उनको जानते हैं, तो बोल रहे कहते ठेकेदार साहब आपको विटामिन की कैसे कमी आएगी। मैंने कहा सर बस कह सकते कि डाइट की थोड़ी दिक्कत होगी, कि डाइट प्रॉपर टाइम से, और स्ट्रेस की वजह से भी हो सकता है। तो कहते कोई बात नहीं, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये चलते रहते हैं।
और काफ़ी देर बातें की मेरे साथ और पूछ रहे थे कि काम वगैरह कहाँ पे चल रहा है आजकल। तो काफ़ी टाइम के बाद उनसे मिलना हुआ ना, ऐसे जाना नहीं होता डिस्पेंसरी वगैरह में। जो ये वाली डिस्पेंसरी ना, यहाँ पे फर्स्ट एड वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, नॉर्मल मेडिसिन मिल जाती है, और जिस जगह पे हम लोग अपनी दवाइयाँ लेते हैं हॉस्पिटल में, वो थोड़ा दूर है। तो इंजेक्शन लगा करके आया और परसों फिर जाना है। तो 5 इंजेक्शन लगेंगे, 2 लग गए और 3 और लगेंगे, और उसके बाद विटामिन की जो मात्रा है वो पूरी हो जाएगी, और फिर बस फिर थोड़ा ना टेंशन कम लिया करूँगा। बस सब लोग यही बोलते टेंशन मत लिया करो, लेकिन टेंशन ली नहीं जाती, टेंशन खुद ब खुद आ जाती है। तो उसको कैसे बोलें, अब अगर घर पे कोई आया हो तो उसको कैसे बोले कि तू चला जा, अब उसकी खातिरदारी करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता ना। बस फिर वही हमने की, टेंशन आई और हमने और ली, फिर उसने हमें विटामिन B12 और D3 दे दिया। तो अब हम उसके लिए इंजेक्शन लगवा रहे हैं। तो चलते हैं घर, चल के रेस्ट करते हैं। आंगन का बहुत बुरा हाल हो चुका है, क्योंकि यहाँ से सीमेंट जो फालतू था ना, कंक्रीट, वो निकाली, वो सारे नीचे गिर गए। तो मैं शाम को यहाँ पे झाड़ दूंगा अभी, और यहाँ पे गंद गिरेगा। ऐसे मिस्त्री ने दूसरी साइड लगे हैं, तो मिस्त्री से एक बार पूछ कर ना, ये सारा एक बार झाड़ू से साफ कर देता हूँ। बारिश की दाएं कर दी ना, तो दोबारा नहीं गिरेगा ये पत्थर, दोबारा नहीं गिरेंगे पत्थर। सारा आंगन साफ हो गया फाइनली, अब मैं रेस्ट कर लेता हूँ और मिलते हैं आपसे शाम के टाइम में, जब मम्मी को ले जाएंगे। और बाहर बहुत अच्छा मौसम हुआ है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत है। थोड़ी सी बारिश हुई, ड्रिजलिंग थोड़ी सी, उसके बाद फिर रुकी, और अभी देखो स्वेटिंग आ रही है। मैंने लगवा लिया, हाँ बोल रहे थे कहते आपकी हिस्ट्री आई थी, मैंने कहा मैंने भेजा उनको। तो तेरे लिए वहीं से लेके आया ना आयरन की, हाँ नहीं पर वो दूसरे हॉस्पिटल से लेके आया था। हाँ वो डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। रोडे डालनी पड़ेगी, यहाँ पे लेवल बहुत डाउन था, 5-5 इंची यहाँ पे वो डाली हमने रोडी, इतना फर्क नहीं पड़ता। डबल एंट्रे पिलर लगे, बीम लगे हुए, और क्या। ये देखो किचन की स्लैब, क्या स्लैब, मम्मी टाइल लगेगी, बराबर आएगी देखो, है ना। सारा काम मैंने पूरा प्लानिंग से कराया, उस हिसाब से क्या देख रहे हो, गैलरी नहीं रेलिंग लगेगी यहाँ पे, है यहाँ पे 2 फुट का पद रहा है, 2 फुट का है मम्मी, बहुत होता है 2 फुट का। और मम्मी वो ना हमने जाली लगाई है उसके ऊपर, वो जाली लगी है, देखिए देख रहे हो आप, इसके नीचे ना प्लास्टिक की पाइप है, तो अगर पाइप में प्लास्टर करेंगे ना डायरेक्ट, तो प्लास्टिक के ऊपर पकड़ नहीं करता सीमेंट ना, तो फिर जाली लगा रही है उसमें, ताकि सीमेंट अच्छे से पकड़ कर ले और क्रैक्स ना आए। ये ठीक हो गया ना, ये कॉर्नर का पता क्या फायदा मम्मी, एक तो सामने से लोग आएंगे ना, तो सारा ओपन होता तब भी अच्छा लग रहा था ना, और इसका फायदा ये है कि यहाँ पे बैठे रहो, पता भी नहीं चलेगा किसी को ना। सो ना मम्मी ने चाबी रख दी थी, पता नहीं कहाँ पे रखी, सुबह लगाया था लोग आपने कि रात को लगाया था, रात को। तो मम्मी ने सब्जी वाले टोकरे में रखी थी, नीचे गिरी हुई थी, फ्रिज को मिली, फिर इतनी देर ढूंढने के बाद मिली, फर्श के ऊपर गिरी हुई थी नीचे स्टोर की चाबी, और हम ढूंढते रहे, उनको कटर चाहिए था। आपको खुशी हो रही है देख के घर का काम है, मेरे को तो बहुत खुशी हो रही है आज मम्मी, आपको भी ऊपर लगेगी स्टेयर। आप जाली क्यों लगाइए, क्यों लगाइए, क्योंकि सीमेंट ने पकड़ करनी है ना, हाँ उसके नीचे पाइप है ना वो, तो उसके ऊपर सीमेंट पकड़ नहीं करता, पहले पाइप के ऊपर सीमेंट लगा दिया, ठीक है कवर कर दिया, फिर कील लगा के जाली लगाई,
और जाली की जो पकड़ा ना वो दोनों साइड है, देखो ये देखो वो दीवार में, ये इस साइड भी जाली की पकड़ा, इस साइड भी किलो के थ्रू, तो इसके ऊपर प्लस तो लगेगा फिर वो टिक जाएगा। और थोड़ा सा ना इसको दिक्कत हो रही है क्योंकि ये फुल रहा है, थोड़ी स्वेलिंग हो रही है इसमें, तो एक दो दिन, एक दिन में कल एक सेट कर देंगे इसको सारा, फिर ठीक हो जाएगा। हाँ जी, मम्मी जब खुद को पता हो ना बंदे काम करवाने वाले को तब होता है। और परमजीत अंकल काम अच्छा करते हैं, जब हमारा पहले घर बना था तब भी उन्होंने नींव निकाल दी ना, नींव उन्होंने किया था ना, और उनके साथ लगता नहीं कि बाहर का बंदा काम पे लगा हुआ है। मम्मी झाड़ू कितने कितने? मम्मी झाड़ू एक, ये एक फुल झाड़ू, तीन झाड़ू है लगे हुए मिस्त्रियों के लिए, एक दो पहला थे, एक दो पहले के भी है ना। यहाँ पे ना चिमनी जो है ना अंदर एग्जॉस्ट फैन चिमनी, चिमनी जो उसका उसका पाइप लगेगा, इसको काट के ना बाहर से वो लगेगी जाली लगेगी इस पे, पूरा कवर हो जाएगा। फिर हम लेट हो जाते, फिर लेट हो जाता, कुछ भी नहीं। चलो नीचे कौन सी, मैंने दे दी थी कल परमजीत अंकल को, थोड़े से पाव अच्छे दे दी थी परमजीत अंकल को, अरे कद्दू दी परमजीत अंकल को। हमारे गांव में ना यहाँ पे सिंच है, दो तीन दिन के बाद, दिन हो गए पुल पे नहीं गए हैं। चलिए आपको थोड़ी सी पुल की सैर करवा के लाते हैं और आपको दिखाते हैं फॉग वाला मौसम यहाँ का। मौसम कितना अच्छा हो गया मेरे को बहुत खुशी हो रही है देख करके, आज पता नहीं मेरा दिल क्यों खुश खुश है। पहले कुछ दिन में ऐसे रहा टेंशन में, लेकिन स्ट्रेस लेके कुछ नहीं मिलेगा, अपनी खुद की बर्बादी है और विटामिन की भी बर्बादी है, तो विटामिन के इंजेक्शन ही खत्म हो गए फालतू में जब हम टेंशन लेंगे। तो ऐसा मौसम देखने को कभी कभी मिलता है। और देखो इस साइड भी फॉग, इस साइड भी फॉग, पुल के ऊपर भी फॉग, पुल के नीचे भी फॉग। चलिए एक चक्कर पुल का लगा के आते हैं, पुल के ऊपर चलते हैं। और ना इस टाइम ना फॉग की जो ड्रॉप्स है ना वो फेस में, फेस से टकरा रही है तो अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा का फील आ रहा है। ओ माय गॉड कितनी ठंडी हवा, रोंगटे खड़े करने वाली हवा चल रही है, ठंडी ठंडी ऐसा लग रहा है मैं शिमला के रिज के मैदान में घूम रहा हूँ, वहाँ पे ऐसी ठंडी हवा आती है और बहुत मज़ा आता है। काफ़ी टाइम हो गया शिमला नहीं गए, लेकिन घर का काम जल्दी ख़त्म हो फिर उसके बाद एक ट्रिप शिमला का लगा के आऊँगा, दो दिन वहाँ पे रुकूँगा शिमला, शिमला से आगे थ्योग और नारकंडा, नारकंडा तक जाके आऊँगा, नारकंडा से आगे बहुत ज़्यादा सफ़र होता है तो वहाँ नहीं जाऊँगा, वहाँ फिर कभी जाऊँगा। और बहुत मन कर रहा है घूमने का, बहुत दिन हो गए घर पे बैठे हुए, तीन चार महीने हो गए, एक आधा चक्कर बाहर कर लगा लूँ ना तो मेरा जो स्ट्रेस है, मेरी जो थकान है ना जो घर पे रह रह के होती है और काम से होती है वो सारी दूर हो जाती है। एक बार ना पुल का नज़ारा देख लो, आपके भी रोंगटे खड़े होंगे, देखो कितना अच्छा नज़ारा है ना, लग रहा है ना अच्छा देख के, और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा होने लगा है। अभी मौसम समय भी रात का हो रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं और इस मौसम का आनंद लेते हैं, उसके बाद चलते हैं वापस घर। और यहाँ पे बैठ के ना मैं जब भी परेशान होता हूँ ना आपको बताता हूँ ना कि मैं पुल पे आता, लेकिन आज मैं परेशान नहीं हूँ, आज मैं खुश हूँ। और मेरे को पता चला घर से देखा मैंने कि पुल वाली साइड ना फॉग पड़ी है, तो मैं देखने के लिए आ गया मौसम देखने के लिए। और आज पुल बिल्कुल खाली है क्योंकि अभी अंधेरा होना शुरू हो गया ना, तो इस टाइम पर लोग कम होते हैं पुल के ऊपर। इतना अच्छा पैनोरामिक व्यू दिख रहा है यहाँ से, और पूरी फॉग फॉग फॉग, और इस साइड पानी की आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जीबी जलोड़ी जोत वहाँ पे घूम रहा हूँ मैं। और इस साइड भी देखिए तो बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा मौसम बहुत कम देखने को मिलता है, खासकर बरसातों में मिलता है, सर्दियों में तो होता है, लेकिन सर्दियों में इंसान को खुद ठंड लग रही होती है तो एकदम से इंसान की कुल्फी जमी होती है, तो उस टाइम पे मज़ा नहीं आता, लेकिन अब मज़ा आता है। और एक दो सेल्फी ले लेते हैं, इंस्टा पे पोस्ट करेंगे और यूट्यूब पे पोस्ट करेंगे कम्युनिटी में, तो आप लोग इंस्टा पे जाकर के चेक कीजिएगा, इंडियन यूट्यूबर दीपक के नाम से इंस्टा अकाउंट है और यूट्यूब का तो आपको पता ही है इंडियन यूट्यूबर दीपक। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं बता दूँ वीडियो में कि मैं बहुत खुश हूँ और आगे खुश रहूँगा, सेल्फी इतनी अच्छी नहीं आ रही इस टाइम, अगर कोई साथ में आता तो हेल्प भी ज़रूर अच्छी आती, क्योंकि हेल्प में क्या आता है कि नाइट मोड आ जाता है और उसमें जूम कर सकते हैं, तो सेल्फी में खुद सेल्फी लेनी पड़ती है ऐसे हाथ करके, तो इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन जैसी भी आई है पोस्ट जरूर करूँगा ताकि आप लोग भी देख सकें और इस नेचर का आनंद ले सकें। कमेंट करके बताना कि आपको आज का मौसम यहाँ पे पुल के ऊपर कैसा लग रहा है, और आगे भी अगर आप अच्छी अच्छी वीडियोज़
हैप्पीनेस ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, कंस्ट्रक्शन वीडियोस, हैप्पीनेस ब्लॉग्स, लाइफस्टाइल ब्लॉग, किस तरह की वीडियो चाहिए, उस तरह की ही वीडियोस बनाऊंगा।